सुभाष पाटिल, संजय बुरड़कर, विशेष रूप से मेरे मित्र सुरेश अग्रवाल, आशीष सिन्हा जी, गिरीश भाऊ और सभी मान्यवर उपस्थित भाई और बहनों, आज विशेष रूप से मुझे याद हो रही अटल बहादुर सिंह जी की, क्योंकि हरीश की चिंता करने वाले में से वो भी एक थे। और एक बहुत योगायोग था कि मैं जब नागपुर ज़िले का 95-2000 में पालक मंत्री था, तो कॉरपोरेशन से लोहिया अध्ययन केंद्र के लिए वो जमीन और मैंने देने का काम भी किया और बिल्डिंग में बना के दिया। तब ये हरीश चडालकर जी एक प्रकार से लोहिया जी के विचारों पर श्रद्धा रखकर ईमानदारी से काम करने वाले एक व्यक्ति थे। एक तीन दिन पहले दिल्ली में केरल का एक न्यूज़ डेली, उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में केरल के CPM, मुस्लिम लीग, कांग्रेस सभी के प्रमुख स्टॉलवर्ट थे। अपने CPM के जो प्रमुख है अभी वो भी थे। तो एक समय चर्चा होते हुए जब कार्यक्रम में मैं भी था अतिथि के रूप में, तो मैंने कहा कि देश में विचार भिन्नता से ज़्यादा विचार शून्यता ये बड़ी समस्या है। और मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के जो सांसद थे उनको बताया कि बर्धन साहब हमारे नागपुर के थे और हमारे लिए बहुत बड़े आइकॉन थे। उनके और हमारे विचारों में मतभिन्नता थी, पर हम यंग एज से उनको अपना आइकॉन के रूप में मानते थे। और जब मैं BJP का अध्यक्ष बना तो एक दिन मैं कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में गया और मैंने बर्धन साहब का आशीर्वाद लिया था। एक बात जरूर है कि अपने विचारों के प्रति कटिबद्धता, इसमें बहुत डिटोरेशन हो रहा है। विचार क्या गलत है और सही है ये बात बाद में है। नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट वी आर नोन अपॉर्चुनिस्ट, ये सबसे खतरनाक है कि जो बनेगा सत्ता पे उसके गले में हार डालो, उसके पीछे दौड़ो। तो स्वाभाविक रूप से हरीश अडेलकर जी, हम लोग यहाँ एम्प्रेस मिल का आंदोलन हुआ, वो तब रेलवे में TT थे, और जब भी आते थे तो कभी बुनकरों का आंदोलन हुआ, गोलीबार चौक में होता था, अनेक बार संघर्ष होते थे और उसमें उनका सक्रिय समर्थन रहता था। लोहिया अध्ययन केंद्र के रूप में हमारे ऐसे बहुत से प्रमुख लोग थे जिनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव था। इसमें अटल बहादुर सिंह जी थे, बाबू था, कि इनके ऑफिस में और उसके दुकान में भी एक ही भगवान के रूप में चित्र था, वो राम मनोहर लोहिया जी का था। और इसलिए लोहिया जी के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति सम्मान और उनके विचारों की कटिबद्धता, ये उनके जीवन की विशेषता थी। मुझे इस बात की खुशी है कि हरीश अडेलकर जी अपने जीवन के आखिरी समय तक उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थिति का मुकाबला किया। उनके परिवार ने भी बहुत कठिनाइयों का मुकाबला किया, और वो कैसे किया और कब कब क्या हुआ, इसमें थोड़े काफ़ी कुछ जानकारी मुझे भी है। पर इस सब परिस्थिति में भी उनके विचारों पर उनकी जो श्रद्धा थी वो अढ़ल थी। ईमानदारी से उस विचारों के प्रति वो पूरी तरह समर्पित थे। यही उनके प्रति सबसे ज़्यादा आदर और सम्मान हम सब लोग रखते, ये उसी का कारण था। और मुझे बहुत इस बात की भी खुशी है कि रेलवे की नौकरी करने के लिए उनको कभी कभी कोई ट्रेन पर, हम मुंबई जाते थे तो कभी कभी सब MLA का डब्बा रहता था, कभी एक आधे बार बाई चांस वो हमारे TT के रूप में रहते थे। तो मैं जब बाकी MLA को बताता, जानते हो क्या इनको, बोले TT है, बोले TT नहीं है, फिर मैं उनकी जानकारी बताता था। अपने जीवन में बहुत ही सादी सरल अपना व्यवहार उनका था, विचारों के प्रति कटिबद्धता थी और अपने उद्दिष्ट के प्रति वो चलते रहते थे, और यही भाव उनके प्रति आदर का था। उन्हीं के कारण लोहिया अध्ययन केंद्र की सही में जिम्मेदारी उन्होंने ली। ये बात अलग है कि बाबू है अटल जी, अटल बहादुर सिंह है, वो उनके साथ मदद करते थे, बाकी भी काफ़ी कार्यकर्ता थे, पर देश में इतने बड़े प्रमाण पर
परिवर्तन हुआ कि एक समय में जो समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी सबके जो नेता थे उसमें एक विशेषता थी कि एज ए लीडर करके उनमें व्यक्तित्व के रूप में बहुत बड़ी गुणवत्ता रहती है। और स्वाभाविक रूप से मैं अपने जीवन में जिस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ, मैं जिनको मेरे लिए आइकॉनिक लीडर मानता हूँ, वो जॉर्ज फर्नांडिस हैं। और मैं उनके छोटे छोटे व्यवहार को जानता हूँ। मुंबई में जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, मैं मंत्री था, कभी दांत निकालने के लिए एक बार डॉक्टर के पास जाना था तो मेरे घर पर आए, तो मैंने कहा कि आप नाश्ता चाय, बोले नहीं मुझे डेंटिस्ट के पास। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं खाली हूँ, चलो। बोले गए, मैं गया डॉक्टर के सामने, उनका डेंटिस्ट ने उनके ट्रीटमेंट की। फिर वापस मैं घर पर आया, उनके पूरे व्यवहार में, ना उनके चाल चलन व्यवहार और इसमें किसी प्रकार का डिफेंस मिनिस्टर होने का ना बड़े जाओ था, ना उनके स्वागत के लिए कोई आता था, ना कोई उनका सत्कार करता था। मैंने अपने जीवन में उनसे एक बात सीखी, उसका मैं पालन करता हूँ। मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, और मुझे कोई एयरपोर्ट पे हार लेके आता है तो मेरा पारा ही भड़क जाता है। मैं बोला कोई अब मेरे साथ सिक्योरिटी होती है तो उनकी मजबूरी, उनको मैं निकाल नहीं सकता। तो 60-70 लोग अपने राइफल लेके कमांडो रहते, पर आज तक मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब का अनुकरण करता हूँ। मुझे कभी कोई आता, छोड़ने के लिए नहीं आता, पहुँचाने के लिए नहीं आता। उनके व्यवहार में गरीब व्यक्ति के प्रति एक ऐसी भावना थी कि हर समय, मुझे याद है कि विशेष रूप से मैं, ये मेरे लाइफ में सबसे अच्छा काम अगर कोई हुआ तो लोग पूछते कि कौन सा हाईवे बना, मैं बोला हाईवे नहीं बना, सबसे अच्छा काम अगर कोई हुआ तो ये जो साइकिल रिक्शा थी, आदमी आदमी को खींचने वाली रिक्शा थी जो बंगाल में इधर उधर थी, तो इसके प्रति एक बार पार्लियामेंट में जब मैंने ये बिल लाया था तो मुलायम सिंह जी बहुत भावुक हुए। वो भी लोहिया जी के अनुयायी थे, और उन्होंने भाषण में कहा कि लोहिया जी कहते थे कि मैं जीवन भर ये रिक्शा में नहीं बैठूंगा, ये मानवीय शोषण का प्रतीक है। और फिर उन्होंने जैसे चर्चा ख़त्म हो गई तो मुझे आवाज़ दिया और मेरे कंधे पे हाथ रखकर उन्होंने कहा, नितिन तुमने कुछ भी बहुत से काम किए होंगे पर आज तुमने ये जो काम किया ये सही में लोहिया जी के लिए एक श्रद्धांजलि है। और मुझे खुशी कि 1 करोड़ लोग, आदमी आदमी को ढोने का काम करता था, मैकेनाइज्ड जीवन रिक्शा थी, और मैंने उसको देखा है। मैं महल में रहता हूँ और तिलक पुतले के ऊपर चढ़ा हुआ, और मैं, मेरी माँ और 2 बहनें रिक्शा में बैठते थे, और वो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय के सामने और हिंदू महासभा के कार्यालय के सामने चढ़ाव शुरू होता था, और बाजू में जनसंघ का कार्यालय था। और वो आकर वो रिक्शे वाला इतना थक जाता था वो MS कोऑपरेटिव बैंक के कॉर्नर पर कि बेचारा 4 लोगों को ओढ़ते ओढ़ते तो मैं बैठ कर कूद जाता था और धक्का लगा के उसको, मेरी माँ कहती थी कि इसको धक्का लगाओ, इसको तकलीफ हो रही। तो वो जो अनेक रिक्शे वालों का, एक दिन मेरे मन में कल्पना आई, मैंने रिक्शे वालों का मेडिकल चेकअप करवाया और बैंड बजाने वालों का किया, तो एक ध्यान में आया कि बैंड बजाने वाले और रिक्शे वालों में TB दिखा, कैंसर की शुरुआत हुई, क्योंकि इसके दुष्परिणाम उनके व्यवसाय के उनके ऊपर थे। तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर लोहिया जी के जीवन में जो विचार उन्होंने दिया था उसका प्रामाणिकता से अनुकरण करने वाला, एक सही में समर्पित भाव से जीवन में बहुत कष्ट सहन करे, बहुत असहायता थी, प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं था, समर्थन नहीं था, यानी कार्यक्रम करने के लिए भी, एक बार हरीश चढ़ाकर और ये अटल बहादुर सिंह मेरे बाबू भी आया होगा शायद था उस समय, तो मुझे कहें कि वो बिल्डिंग बनाना है लोहिया जी, मैं क्यों बनाऊँ, मैं तो RSS वाला हूँ, तुम तो समाजवादी हो, तो मेरा पैसा चलेगा क्या आपको, मैंने मदद की था आपको, ऐसा मैंने मजाक में उनको कहा। हमारे विनोद पर अटल बहादुर सिंह ने एक क्षमता दी, वो जब भी मुझे बोलता था कोई भी काम के लिए तो मेरा हाथ पकड़ लेता था, और जब तक मैं हाँ नहीं बोलता था हाथ ही नहीं छोड़ता था। तो मेरे अटल की भी ऐसी घनिष्ठ मित्रता जिंदगी भर रही, और वो भी दिल से पूरी तरह लोहिया जी के विचारों के लिए समर्पित था। जो 2 मेरे खास मित्र हैं, एक बाबू और अटल, ये दोनों की विशेषता थी रघु जी कि परिस्थितियाँ बहुत बदली, बहुत परिस्थितियाँ बदल गई, जनता पार्टी और बाकी सब बातों का इतिहास खत्म हो गया, पर लोहिया जी के प्रति इनकी ईमानदारी कभी कमी नहीं हुई।
ये बात जो थी ये कम थे पर प्रतिभाशाली थे, कमिटेड थे, कन्विक्शन के थे और ईमानदार थे, फ्रॉड नहीं थे। सत्ता बदल गई इसलिए विचार बदलने वालों में से नहीं थे और हरीश जी उसमें से एक थे। और आज सही में उनके जीवन पर एक अच्छा ग्रंथ का विमोचन भी हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। थोड़ी देरी हुई कि मैं लगातार 3 कार्यक्रम करके आया हूँ और 2 कार्यक्रमों में जाना है। मैं नहीं बोलने की कोशिश करता हूँ पर कभी प्रेम के कारण कुछ लोगों को नहीं भी नहीं बोल सकता, तो स्वाभाविक रूप से मुझे भी कभी कभी इसकी तकलीफ होती है। तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा देरी से मैं आया इसलिए आप लोगों की क्षमा मांगता हूँ। पर विशेष रूप से रघु जी आज नागपुर में आए हैं, हम सब तो यही कहे हैं, आपसे बातचीत होती रहती है, आप भी बहुत बड़े विचारक हैं और आज इस कार्यक्रम के निमित्त आए, मैं नागपुर में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ क्योंकि आप हमारे शहर में आए हैं। और वैसे पार्टी हमारी कुछ भी हो, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अटल बहादुर सिंह ने, गिरीश भाव को मालूम है, एक चुनाव में मेरे खिलाफ़ पत्रक निकाला लोकसभा का और बाद में उसका ये उसके मन में ये परसेप्शन हो गया कि वो लोकसभा का चुनाव इसलिए आ रहा कि उसको आरएसएस वालों ने वोट नहीं दिया, जबकि उसकी वो गलत फहमी थी। जो वोट मिलते थे वो कौन से बूथ पर कितने मिले इसका रिकॉर्ड था, पर उसके मन में एक बात रहती थी। तो बाद में उस चुनाव में उसने मेरे विरोध में कांग्रेस का समर्थन किया और बाद में हम जब मिले और मिलते रहे और एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं, तो एक दिन उसके आंखों में आंसू आए और आने के बाद उसने मुझे कहा, नितिन मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की और मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। बोले तू क्यों क्षमा मांगेगा? बोले मैंने ये बहुत बड़ी गलती की जो रात दिन मेरे काम में मेरे लिए भाई जैसा मेरे साथ रहा, राजनीति तो दूर की रही, अब उस व्यक्ति के खिलाफ मैंने प्रचार में भाग लिया। मैंने बोला ये तेरा अधिकार है और दूसरी तेरी और मेरी दोस्ती कोई राजनीति के लिए नहीं, और मैं राजनीति में बहुत पक्का हूँ। मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ तुमको अच्छा लगेगा तो वोट देना नहीं तो मत देना, मैं अपनी बात छुपाता नहीं हूँ। और लोगों ने नहीं चुन कर दिया तो क्या मरता क्या आदमी, नहीं तो नहीं दूसरा काम करते रहे। तो चुनाव जीतना आवश्यक है, तो मैंने अटल को कहा कि ऐसी कोई बात नहीं और हमारे संबंध उसके बावजूद वैसे ही रहे। और जो हमारे कॉमन मित्र थे गिरीश भाऊ जैसे, उनके मन में रिएक्शन थी, तो मैंने एक बार उनको कहा कि आप रिएक्शन बिल्कुल मत रखना, ये चलता है। और राजनीति में किसको काम करना और किसको नहीं करना इसके कारण थोड़ी संबंध है, पॉलिटिकल मतलब के लिए दोस्ती होती है। दोस्ती जो होती है उसका दोस्ती है ना दोस्ती होती है, उसका कोई राजनीति से कोई संबंध नहीं होता। और यही बात हरीश अढ़ल जी के साथ हमारी रही और इसीलिए आरएसएस वाला होने के बाद भी लोहिया अध्ययन केंद्र के प्रति मुझे प्रेम था, विश्वास था, सम्मान था और रिकग्निशन था कि लोहिया जी ईमानदार समाजवादी थे और उनके विचारों में जो गांव गरीब मजदूर किसान की जो बात उन्होंने की है वो निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए आवश्यक है। विचारों में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क होगा, दुनिया बदलती है, पीढ़ियाँ बदलती है और विचार भी बदलते हैं और मूलभूत विचार नहीं बदलते हैं। और इसलिए समय के अनुसार काफ़ी बातों में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के साथ मूलभूत बात को कायम रखते हुए आगे जाना पड़ता है। हरीश जी हमारे बीच में आज नहीं है पर उनकी स्मृतियाँ इस अंक के द्वारा फिर से एक बार प्रकाशित हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि निश्चित रूप से उनकी आत्मा को इससे शांति मिलेगी और हम सबको उनके ऊपर प्रेम करने लोगों को भी खुशी होगी। मैं उनके स्मृति को अभिवादन करता हूँ, देरी से आया हूँ इसलिए आपकी क्षमा मांगता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। मैं